इन सर्कल वन हाफ ऑफ द कलेक्शन ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है कैट्स हैं सो ये कलेक्शन ऑफ जो कैट्स है उसके वन हाफ़ को हमें क्या करना है इंसर्कल करना है अब ये वन हाफ़ ऑफ द कलेक्शन का मतलब क्या होता है वन हाफ़ का मतलब है कि वन ऑफ द टू इक्वल पार्ट्स यानी कलेक्शन को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसका एक एक जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे वन हाफ बोलेंगे तो यहाँ पे हमारा ये कैट्स का कलेक्शन है कितनी कैट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कैट्स हैं सो इन टेन कैट्स को हमें टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो टेन कैट्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इसका मतलब एक पार्ट में कितनी कैट्स होंगी फाइव कैट्स होंगी तो एक पार्ट इससे बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव एक पार्ट ये हो जाएगा दूसरा पार्ट ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सो हम किसी भी एक पार्ट को क्या कर रहे हैं सर्कल कर रहे हैं हम इस पार्ट को सर्कल कर रहे हैं तो ये एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वन हाफ ऑफ द कलेक्शन ऑफ कैट्स सर्कल वन फोर्थ ऑफ द कलेक्शन जो एक कलेक्शन ऑफ गिटार्स है उसका हमें वन फोर्थ को क्या करना है इन सर्कल करना है अब वन फोर्थ ऑफ द कलेक्शन का मतलब क्या है वन फोर्थ ऑफ द कलेक्शन का मतलब है कि वन ऑफ द फोर इक्वल पार्ट्स जिसमें हमने पूरे कलेक्शन को क्या कर रहा है डिवाइड कर रखा है तो ये कितने गिटार्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट गिटार्स हैं और इन गिटार्स के एट गिटार्स को हमने फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसमें से जो एक पार्ट होगा वो उसमें से जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा वन फोर्थ ऑफ द कलेक्शन जिसको हम इंसर्कल करेंगे तो एट गिटार्स हैं हमारे पास जो गिटार्स हैं वो कितने एट हैं एट गिटार्स और हमने इसको डिवाइड करना है कितने इक्वल पार्ट्स में फोर इक्वल पार्ट्स में तो हमारे पास हर पार्ट में कितने गिटार आ जाएंगे जितना एट को फोर से डिवाइड करके आएगा और वो एट डिवाइडेड बाई फोर कितना होता है टू होता है एट गिटार्स को जब हम फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट में टू गिटार्स होंगे इसलिए हम टू गिटार्स को लेके क्या बनाएंगे एक ग्रुप बनाएंगे तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया ये दूसरा पार्ट हो गया ये तीसरा पार्ट हो गया ये फोर्थ चौथा पार्ट हो गया तो इस तरह से हमने ये जो कलेक्शन ऑफ गिटार्स है इनको फोर इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया है और ये जो इंसर्कल्ड पार्ट है ये वन ऑफ द फोर इक्वल पार्ट्स हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे वन फोर्थ ऑफ द कलेक्शन तो ये गिटार्स को जो हमने इंसर्कल किया गया है ये क्या है वन फोर्थ ऑफ कलेक्शन ऑफ गिटार्स